दीपावली के समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब तक 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है। इस क्रम में अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी इस पर वैट की छूट देने पर विचार कर रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अनुसार राज्य सरकार भी लोगों को राहत देगी, हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के राजस्व पर असर डालने वाले इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद कैबिनेट में मामला लाया जाएगा। सरकार सभी पहलुओं को देखने के बाद फैसला लेगी। हमारी कोशिश है कि राज्य के ज़रूरतमंद लोगों को इसका फ़ायदा मिले। इसके फॉर्मेट पर विचार करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हम यह देखेंगे कि सामान्य रूप से टैक्स कम हो रहा है या फिर टाकरेन ग्रुप को लाभ मिले। वर्तमान सरकार की हमेशा सोच रही है कि लाभ सही लोगों तक पहुँचे, ज़रूरतमंदों को ही सरकार की छूट या योजना का लाभ मिले। बता दें कि केंद्र के स्तर से पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद बिहार में नीतीश सरकार ने भी वैट की दर कम कर दी है। राज्य में पेट्रोल पर 3.20 रुपये और डीजल पर 3.90 रुपये प्रति लीटर वैट में कटौती की गई। इसमें बिहार में अब कुल मिलाकर पेट्रोल 8.20 रुपये और डीजल 13.90 रुपये सस्ता हो गया। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।